गाइस एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। और आज सारी बात तो मौसम बहुत अच्छा है, धूप आई है बहुत जोर की। मैं दिखाती हूँ, इतना अच्छा मौसम हो रहा है। वहाँ कहीं पे सूरज वो नहीं देखेगा आपको गाइस, क्योंकि मेरा कैमरा इतना ज़्यादा महान नहीं है, पर बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, बहुत जोर की धूप आई है। खेत नीचे तो फाइनली आज इतने दिनों के बाद ब्लॉग। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा, हर किसी को तो पड़ी नहीं है खैर, पर कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि आप ब्लॉग क्यों नहीं डाल रहे हो ऐसा वैसा। तो गाइज उसका एक रीज़न था, ऐसे ही नहीं था कि मैं ऐसे ही ब्लॉग्स नहीं डाल रही हूँ, एक रीज़न था, बट ठीक है छोड़ो उसे, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बट ठीक है, अब काफ़ी दिनों तक डेली ब्लॉगिंग होगी, अब मैं डेली ब्लॉग्स डालूँगी। तो और जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, जो लोग पूछते हैं, थैंक यू सो मच गाइज, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और हाँ, मैंने 31st का ब्लॉग कब से बना के रखा हुआ है, ड्यू टू सम रीजंस मैं उसे भी नहीं डाल पाई। तो प्लीज़ इस जब ये वीडियो मैं डालूँगी उसको डालने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि मैं 31st वाला ब्लॉग अब डालूँ या नहीं डालूँ, क्योंकि उसे बहुत टाइम हो गया है। तो अगर एक दो जनों ने बोला कि डालो तो डाल देंगे, नहीं तो फिर ठीक है कोई बात नहीं। देखो गाइस, मम्मी आई थी और कूड़ा ही कूड़ा बिस्तर में फैला के जा चुकी है। इतने अच्छे से मैंने सुबह सुबह बेडशीट बिछाई थी और मम्मी ने सब कूड़ा फैला दिया है, और जो कि अब मुझे ही साफ़ करना पड़ेगा। तो ठीक है, करते हैं इसे साफ। तो गाइस अब बात आती है कि आज हम क्या करेंगे। तो आज हम अब मैं बहुत खुश हो चुकी हूँ, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले तक तो थोड़ा बहुत टेंशन था मुझे एक चीज़ का, पर अभी अभी वो सारी टेंशन दूर हो चुकी है, तो आई एम वेरी हैप्पी। तो अब मेरे को सोचा है करने का, अब हम बहुत एक कह सकते हैं कि एक छोटा सा प्रैंक करने वाले हैं अन्ना डॉली के साथ, और मे भी मम्मी के साथ भी। मम्मी से तो डर लगती है पर देखेंगे। तो अभी हम मेरे पास एक बहुत गंदी चीज़ें दिखाती हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा गंदा हो, ये मैं अपनी बड़ी बहन के घर से लाई हूँ। तो गाइस ये जो है ये बहुत ही गंदा है खाने में, मैंने कल खाया, मैं अपनी बड़ी बहन के घर से इसको लेके आई हूँ, बहुत ज़्यादा गंदा है ये खाने में। तो अन्ना डॉली को नहीं पता है अभी तक, ना मम्मी को पता है। तो अभी हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा मैं इसको खाऊंगी, अपने मुँह में रखूँगी, मैं इसको खाऊंगी कि इसको खाते उल्टी आ गया, बहुत गंदा हो गया। तो मैं इसको थोड़ा सा अपने मुँह में रखूँगी और खाने की अपील करूँगी, और अन्ना डॉली को भी साथ साथ बोलूँगी पूजा के वहाँ से लेके आई, बहुत अच्छा हो रहा है। ठीक है, तो देखते हैं फिर उनका रिएक्शन रिकॉर्ड करेंगे कि वो क्या करते हैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। जैसे मैंने कल इसे खाया, मैंने सीरियसली इसको डस्टबिन में, मुझे उल्टी आने का होगा, मैंने इसको डस्टबिन में थूक दिया था, बहुत ज़्यादा गंदा आई है, पता नहीं क्या है, 20 रुपये बर्बाद, बदबू भी थी, गंदी आ गई है। तो अब देखते हैं क्या होता है, पहले डॉली को, ठीक है चलो। डॉली बताओ, दिखा रही थोड़ा ही दिखा, पूरा कहाँ से दिखाई, ठीक है दिखा रही, थोड़ा तो खा नहीं मेरे सारे फ्रेंड फेल हो जाते हैं। उसने कह दिया मैं नहीं खा रही, मुझे बहुत दुख हो गया है गाइस, मैंने इतनी मुश्किल से ये सब सोचा और एट द एंड इसमें पानी फिर गया, मुझे बहुत दुख हुआ। तो अब अन्ना पे करेंगे, और क्या है कोई बात नहीं। अरे बहुत गंदा है यार, इसको देखते ही उल्टी आ रही है, भगवान का समझ पता नहीं कौन सी गंदी कंपनी ने बनाए थे ये घटिया सी चीज़, पर ठीक है कोई बात नहीं, कुछ मेरे हाथ में भी लग गया चिपचिपा, पर कोई बात नहीं, अब हम अन्ना पर ट्राई करेंगे, और जैसे अगर कोई भी आएगा तो उसको भी खिला देंगे कोई भी मिलेगा तो उनको पकड़ के खिला दूँगी अगर मेरे घर वाले तो मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते, तो मैं क्या करूँ, अब जो भी कोई मिलेगा ना तो उसको पकड़ के खिला दूँगी, ऐसे जो होगा देखा जाएगा। बारिश हो गई तो गाइस मम्मी अभी सोई थी, पर मम्मी उठ गई है, बारिश, बच्चे चिल्ला रहे थे। मम्मी बोलो वेलकम बैक टू माय चैनल, एक बार बोलो वेलकम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब बोलो प्लीज गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्लीज गाइस लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। एक काम करते हैं हम, ना वो ले लेते हैं स्टीम, ले लेते हैं स्टीम के लिए लगा देंगे, फिर स्टीम देंगे, वाली मशीन होती है ना उसको बस खाली प्लग में लगाना होता है।
हाँ माँ, मम्मी को ऐसा मुझे लगता है मम्मी को किसी के नाम याद नहीं होते। कभी हर्षो को कुछ बोलेगी, कभी कभी किसी को कुछ बोलेगी, कभी किसी को कुछ। तो ये स्टीम वाली मशीन तो मैंने लगा दिया, जब हो जाएगा तो हम स्टीम लेंगे। स्टीम लेना बहुत अच्छा होता है फेफड़ों के लिए। कंगी मांग रही थी मम्मी। अरे मैं केक यही रख के भूल गई। तो ये केक मैं लाई हूँ अपनी बहन के वहां से, उसने कल मुझे बहुत सारी चीजें दी थी और उसमें से था ये एक केक। नहीं बहन, ही भिगना नहीं है, थोड़ी देर में बंद हो जाएगी। खा रही है? पूजा कहाँ से लेकर आई थी? सर केक है। अरे ले इतना खा रही है। मैंने बड़ी मुश्किल से मुंह में अटका के रखा था, बहुत मुश्किल से इतनी मुंह में अटकाया, फाइनली अन्ना ने खाया, मुझे बहुत खुशी। देखो ये दिख कैसा रहा है। 5 मिनट तक अन्ना गाइस, मैंने आज और खाओगी, मजेदार लगा है तो चलो जो ये पूरा केक खाएगा मैं उसे 100 रुपए दूंगी। चलते हैं, स्टीम लेने था, स्टीम का वो गर्म हो ही गया होगा, तो एक शॉल ले लेंगे। शॉल को मुंह के ऊपर लगा के स्टीम लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। तो गाइस फाइनली स्टीम भी ले लिया है और बाहर बारिश रुक चुकी है और फिर से थोड़ी बहुत धूप आ ही चुकी है, तो बस हम मुंह साफ करते हैं पहले, उसके बाद मिलेंगे। गाइस लुक द ब्यूटी मिस ब्यूटी, एक्चुअली देयर आर टू ब्यूटी। ये हम लोग फेस मास्क लगा रखे हैं। ये गोबर का लेप हमारा बचपन में हमारे एक मोटिव हुआ करता था, जब भी हम ये लगाते थे, हम कभी कभी लगाते थे, तो हमारा एक मोटिव हुआ करता था कि हमें एक दूसरे को हंसाना है, क्योंकि इसको लगा के ज़्यादा बोलता है, हंसते नहीं है, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि शायद इससे रिंकल्स होता है इस वजह से। तो पर हम लोग क्या करते थे कि हम लोग एक दूसरे को बहुत हंसाने की कोशिश करते थे, और मेरे को तो किसी को हंसाने की ज़रूरत नहीं, मुझे तो अपने आप ही हंसी आती रहती है। तो गाइज मैंने तो मुंह धो लिया है और डॉली का भी सूखा ही नहीं है। मैं मुंह धो ही रही हूँ, हट जा। पर ये तो सूखा ही नहीं बिल्कुल भी, सूखने लग गया। मेरा तो सूख भी गया था पूरा और मैंने फिर धो भी दिया है, अब बिल्कुल चमकता हुआ मुंह। मुंह तो गंदा ही रहेगा, कुछ भी लगा लो, कुछ भी कर लो, गंदा मुंह तो अच्छा नहीं बन सकता। खैर आखिरकार मेरा और ये डॉली यहाँ पे तैयार होती हुई नजर आएंगे आपको, मिस ब्यूटीफुल डॉली।
अच्छा ना तैयार होने में। लूजा ना मुझे सिनेमैटिक शॉट निकालने दे, मैं एक फोटोग्राफर हूँ। ऐसे बालों के अंदर से ले 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 जा। तुझे वो खाना है ना बहन, में बहुत अच्छी बनाने देने यार, मैं फोटोग्राफी सीख रही हूँ। तो गाइस अब मैं आ चुकी हूँ दुकान से वापस। दुकान में बहुत कुछ हुआ जो दिखाने लायक था, मुझे मन भी कर रहा था कि वहाँ व्लॉग बनाऊँ, पर बीच में क्या हुआ, जैसे मेरे को मन किया मम्मी को गुस्सा आ गया था, फिर मैंने सोचा कि मेरे ऊपर नहीं आया, किसी और वजह से आया, पर फिर मुझे लगा कि नहीं अब अगर व्लॉग बनाऊँगी तो फिर मैं मुश्किल में पड़ जाऊँगी, इसलिए मैंने कहा चलो छोड़ो। तो घर आ गए हैं तो अब हम काढ़ा बनाएंगे अपने लिए भी, मम्मी के लिए भी। काढ़ा बनाने इस बार इजी, आओ तुम्हें सिखाऊं। तो काढ़ा इज नथिंग बट लेट मी टेल यू, ये होता है काढ़ा। एक्चुअली दो दो हैं हमारे पास, तो इसको क्या करना होता है, इसको कुछ भी नहीं करना होता है, खाली पानी गर्म करते हैं, बहुत ज़्यादा पानी गर्म करो और पानी में फिर एक ग्लास पानी में डाल दो डेढ़ चम्मच समथिंग ये काढ़ा, और बन जाता है सारी प्रवाही पतंजलि काढ़ा। अच्छा होता है पीने में भी, इसका टेस्ट अच्छा होता है और हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है, कफ वगैरह के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो गाइज रात के 1:30 बज गए हैं, मेरी एडिटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, अभी आया ये वीडियो भी उसमें ऐड करके बस मैं सो रही हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, मुझे नींद आ रही है, बाय।